गाइज वेलकम बैक टू माई नेक्स्ट व्लॉग। और अभी हम पहलगाम की तरफ जा रहे हैं और हल्की हल्की स्नो पड़ रही है यहाँ पे, मतलब रास्ते में, तो श्रीनगर होते हुए जा रहे हैं। और जितने भी नए यूज़र है यार, प्लीज़ सब्सक्राइब वगैरह कर लो। अभी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, पहले तो सिर्फ मैं ऐसे देखता जा रहा था, बट अब वीडियो बनाने का पता चल रहा है। तो डू फॉलो मी, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो। तो अभी हमने गाड़ी रोकी है, ये रास्ते में शॉप थी, ड्राइफ्रूट शॉप थी, तो यहाँ पे सोचा थोड़े से ड्राइफ्रूट ले लें गाड़ी में खाने के लिए, सही रहते हैं, चिप्स से ज़्यादा बेटर रहते हैं। तो देखते हैं, छोटे छोटे पैकेट होते हैं वो लेंगे। यहाँ बहुत पास है, 1000 किलोमीटर ज़्यादा है। कौन सा मसला है 1000 किलोमीटर? और क्या, वो तो दिल्ली के बॉर्डर पे ही है। बेस्ट क्वालिटी वॉलनट्स, पेपर शेल। या मुझे कहीं लग रहा है कि पैकिंग करके ट्रांसपोर्ट भेज रहे हो बाहर। हाँ सर, है ना, हमारा ऑनलाइन बिजनेस है, हम यहाँ से कुरियर करते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड सर्विस होता है। अच्छा, अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। हमें ना ऐसा पैक करके दे देना, ये पैकिंग वगैरह कर रहे हैं। अरे ये रहे ना, मिक्स वाला ट्रांसपोर्ट वाला, यहाँ से पैकिंग वगैरह करके पूरे ऑल ओवर इंडिया में भेजते हैं। इनका पैकेट लिया है, बहुत सस्ते, बहुत बढ़िया इन्होंने ड्राई फ्रूट दिए। ये रहा इनका नाम, और बस ये लेकर हम पहलगाम निकल रहे हैं और चलते चलते गाड़ी में खाएंगे। यहाँ पे हमें रोका हुआ था और बस यहाँ से अभी इन्होंने छोड़ा है निकालने, पता नहीं किस लिए रोका था, तो 15-20 मिनट से हम यहीं खड़े हुए थे। क्या हो गया भाई, टोल इशू, थोड़ा सा बैलेंस कम हो गया था, हमने डाल दिया उसमें दोबारा, बट ये हमें एग्जिट करने नहीं दे रहे और बैलेंस हमारे उसमें शो कर रहा है, पर इनका टोल पता नहीं चल नहीं रहा या क्या नहीं हो रहा है। तो अब ये दोबारा निकाल रहे हैं हम किस तरह, वो बैलेंस हमारे उसमें शो कर ही रहा है, बट पता नहीं क्या दिखा अभी भी यार, ये ब्लैक लिस्ट आ रहा है, ब्लैक लिस्ट दिखा रहा है इसमें बार बार टोल हमारा, इवन बैलेंस हमारे उसमें है। देखो क्या करते हैं, 15-20 मिनट तो हो गए, मैं यहाँ पे भी खड़े हुए। पाजी एक्टिव है भाई, एक्टिव है ये, पता नहीं हमारा यार, बहुत देर से हम यहाँ रोके हुए इन्होंने, क्योंकि ब्लैक लिस्ट आ रहा है और कैश बोल रहे पैसे लेंगे नहीं और कैश में होगा नहीं सारा, करेंसी से होगा। फास्ट ट्रैक होने के बाद भी ना ये बड़े ही लफड़े हैं, ये मुझे लगता है इनकी मशीनें ही चल रही हैं, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से लड़ाई होगी उधर। थैंक यू यार, क्यों लड़ाई हो गया भाई, हो गया, चलो हो गया, निकल गया। ये हम पहलगाम के रास्ते में रुके और हमने जूस, एप्पल जूस ऑर्डर किया, ये इन्होंने एप्पल लगा रखी है जो कि असली नहीं है, और ये यहाँ पे भैया ने जूस बनाया, तो एप्पल जूस ट्राई करते हैं, कावा के बाद यहाँ का लोकल एप्पल जूस ट्राई करते हैं। रास्ते में एक ढाबा मिला है, बढ़िया सा दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ ऑर्डर करने जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। तो पहलगाम के रास्ते में एक ये पेड़ सा जमा हुआ है, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर लोग रुकते फोटो लेके जा रहे हैं। तो पहले अपने रास्ते में एक ट्रीस आया है पूरा जमा हुआ, उस पर लोग काफ़ी लोग फोटो वोटो खिंचा रहे हैं, तो हम भी वहीं आए हैं रील वील बनाने के लिए। और सामने एक ढाबा है जहाँ पे हम कुछ खाएंगे, तो हमने सोचा 5-10 मिनट है, यहाँ पे आके एक 2-4 फोटो खींच लेते हैं। हम आए थे, इतनी भीड़ नहीं थी, तो अब धीरे धीरे करके लोग आए जा रहे हैं और थोड़ा गाड़ियाँ रुकी ट्रैफिक रुकता जा रहा है, और हम जा रहे हैं वहीं पे उसे ढाबे खाने के लिए, उसके बाद थोड़ा सा आके शायद फिर बनाएंगे थोड़ी बहुत रील, तो काफ़ी सारी भीड़ हो गई थी तो बनाने नहीं दे रहे थे लोग, एक ही जगह इकट्ठे हो गए थे, छोटा सा पेड़ है एक, बस एक स्पॉट है खड़े होने के लिए। तो ढाबे पे जा रहे हैं, उसी ढाबे पे जो ऑर्डर दे के आए थे खाने के लिए, पूरा तेल में डुबो दिया अंदर, ये बस कुछ बन गया, जैसा बन रहा है बस बन गया। पराठा दिया भैया ने, तेलम तेल, कैसा लग रहा भाई, बहुत बढ़िया ना, बस ये इतना तेल है इसमें कि बंदा मर जाए। ये अपना एक जयपुर का ग्रुप मिला है जो अपने साथ पहलगाम चल रहा है, और ट्रैवल के उसमें आया हुआ, यहाँ से बस हमने खाना वाना खा लिया है, तो यहाँ से निकल रहे हैं, तो फुल मस्ती में है भाई सारे के सारे, और बस
यहाँ से निकल रहे हैं और ट्रैवल पैकेज लेके आए हुए भाई अपने सारे। साउंड वाउंड बढ़िया है कि इसमें? सब बढ़िया भाई, सब बढ़िया, सब मस्त। फिर तो चलाएंगे इसे रोड पे। तो बस हो गया। ये सर्दी का सर है, कईयों को बुखार होता है, कईयों को कुछ होता है, इनको कुछ और हुआ है। इन भैया का कुछ रह गया, इन भैया से यही उम्मीद थी हमें। चलो चलते हैं, अब मिलते हैं आगे। तो जो मैंने अभी रोड दिखाई है, ये पहलगाम की तरफ रोड जा रही है, श्रीनगर से पहलगाम। और काफ़ी सारे हादसे हुए हैं। अभी हमने पीछे जैसे ढाबे पे रुके थे, हमने उन बंदों से पूछा है जहाँ पे काफ़ी मतलब इस रोड पे हमारे यात्रा के टाइम पे और कुछ फौजी के साथ भी, फौजी की डेथ हुई थी जो कुछ पीछे न्यूज़ में भी आया था। तो काफ़ी सारे हादसे इस रोड पर हो रखे हैं जो, और यहाँ पर आर्मी भी नहीं दिखी हमें, इक्का दुक्का दिखा था बहुत मतलब पीछे की साइड। तो थोड़ी सी डेंजरस टाइप की रोड है ये, और गाड़ी वाले भी यहाँ पे काफ़ी यू नो ओवरटेक के लिए बार बार निकलते हैं और स्लो चलाते हैं, तो वो अपने हिसाब से चलते हैं। पीछे भी एक गाड़ी उन्होंने रोक ली थी और बस बीच में रुक के चला गया अपना कहीं पे। तो देखते हैं आगे निकल रहे हैं, कैसी रोड है, कैसा रहे। तो अभी इससे बात करेंगे। ये पहलगाम का लास्ट होल है, तो बस ये गाड़ी खड़ी है, एम्बेसडर नंबर टुकड़ 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 टुकड़। तो ये हमें ऊपर मिलेंगे काफ़ी सारे, शायद हम इनकी सवारी करेंगे, देखते हैं क्या है। क्या हाल है भाई? अरे वाह, मर्जी के मालिक घोड़े कच्चा रहे, मर्जी ऊपर अपनी मर्जी के मालिक है ये, कहीं से कभी लेफ्ट से आता है राइट से आ जाता है। आशीष भाई इनको पहले साइड देनी पड़ती है हमें, तभी निकलने देते हैं हमें। ऊपर से आए जा रहे हैं, आई थिंक वही वाला सीन हमेशा जो हमारे साथ होता है, हम ऊपर जाते हैं लोग नीचे आते हैं। पहलगाम हम पहुंच गए और यहाँ पे हल्की हल्की स्नो स्टार्ट हो गई है, जैसा कि लोगों ने और मौसम ने बताया था, टेम्परेचर लगा था भी। और यहाँ पे पूरा स्ट्रीट फूड लगा हुआ है, ये देखो अच्छा खासा, और काफ़ी सारा क्राउड है, काफ़ी लोग आए हुए हैं, हमें लगा नहीं था कि इतने लोग यहाँ पे होंगे। तो हम जा रहे हैं बस होटल ढूंढने के लिए, भाई को जो चढ़ गया बर्फ़ देखते ही तो ये गाड़ी भगाने लग गया। अब ये नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, बट अंदर ही अंदर जाए जा रहे हैं अंदर ही। भाई पंजाबी रसोई को ढाबा है, अच्छा खासी भीड़ ही आएंगे हम शाम को खाना पीना करने। तो जाते हैं अंदर होटल देखते हैं और लगाते कहीं गाड़ी। वो शुरू हो गई है यहाँ पे और बाहर आ गए हैं के चक्कर। तो अभी बस होटल देखने जा रहे हैं और आपको दिख रहा होगा मेरे फेस पर भी पड़नी शुरू हो गई है स्नो। तो होटल देखते हैं, फिर मार्केट जाएंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे। स्नो होती जा रही है धीरे धीरे करके। और ये सिर्फ 10 मिनट हुए बर्फ स्टार्ट हुए, 10 मिनट में देखो भाई साहब पूरा का पूरा भर गया, भरना शुरू हो गया, और अच्छी खासी बर्फ़ पड़ने वाली है आज सबसे बता रही है। जैसा कि दिखाया था उसमें बर्फ़ अच्छी खासी पड़नी शुरू हो गई है और 10-15 मिनट में सारा का सारा वाइट वाइट कर दिया। और अभी थोड़ी देर पहले कुछ भी नहीं था, तो पूरी रात अच्छी खासी बर्फ़ पड़ने वाली है। तो भाई होटल देखने जा रहे हैं अभी, और दो चार होटल देखे, दो तीन, बट वो किसी में पानी नहीं है, किसी का व्यू बोला भी ख़राब है। और बाकी जगह की तरह यहाँ पे भी होटल मतलब उतने नहीं, बट हाँ होटल महंगे ही है, मतलब हिसाब से हम सोच रहे थे कि यहाँ पे इतना क्राउड नहीं, उतना नहीं होगा, पर यहाँ पे भरा पड़ा है गाड़ियाँ, देखो बर्फ़ जमनी शुरू हो गई है, पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो हमें था कि कोई विंडो अच्छी था कि कोई अच्छी विंडो वाला रूम मिल जाए, तो वो देखते देखते हम यहाँ भी आ गए, और यहाँ पे भी हमें लग रहा कुछ भी नहीं है, तो देखने जा रहे हैं अभी। और तो ये होटल रूम मिल गया है और रेस्टोरेंट वाला भी है नीचे, बढ़िया सा ये छोटा सा एरिया बना हुआ है यहाँ पे बाहर, और अच्छा खासा जाम लगा हुआ है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ लगी हुई है। तो भाई ने होटल अच्छे रेट पर दे दिया, तो बस दो दिन यहाँ पे हम स्टे करेंगे। डिनर करने के लिए हम आए हैं यहाँ पे पंजाबी रसोई ढाबा, तो काफ़ी आई थिंक फेमस है और काफ़ी भीड़ भी यहाँ पे। तो वहाँ देखा, वहाँ से कुछ समझ नहीं आया, 3x करने के बाद भी समझ नहीं आया, फिर भाई ने बताया मैंने तो इधर है। तो एक खाना आ गया है, मक्के की रोटी, सरसों का साग और एक डोसा,
मक्की की रोटी सरसों के साथ और डोसा, क्या कॉम्बिनेशन है, वाह वेरी नाइस। इफ यू लाइक द फूड जस्ट प्रेस द बेल। रस्सी बांधने का ये फायदा होता है, ऐसे गाड़ी स्लिप नहीं होती। अब ये बेचारे की गाड़ी स्लिप हो रही है, धक्के लगा के निकलेगी इसी तरह टेढ़ी मेढ़ी करके। घूम गई भाई, घूम गई, ले घूम गई। घूम ये देख लो भाई, बर्फ में जाओ तो रस्सी उससे लेकर आओ, तो चलो लोकल है, ट्रैवल वाले हैं, तो निकाल लेंगे कोई दिक्कत कम मार के। फिर भी बहुत मुश्किल है से निकालना। बस किस तरह बची है लगने से। तो जब भी यहाँ पे रस्सी वाला लेकर आए या फिर यहाँ पे रस्सी मिल जाती है वो बांध के चलाए, ये तो मेरे पीछे देख रहे हो गाड़ी कैसे जा रही है, तो यही हाल होता है। ये देखो एक गाड़ी और स्लिप करती हुई जा रही है, तो यही हाल होता है यहाँ पे। अगर आपके पास रस्सी वाला नहीं है तो बड़ी मुश्किल होता है। रोड पे वॉक कर रहे थे और ये बहुत ही प्यारा क्यूट सा पहाड़ी कुत्ता मिला हमें। वे नाराज सा हो गया थोड़ा सा, उसको बड़ी देर से घुमा रहे थे हम। वे हेलो 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 हेलो, तो ये नाराज हो गया थोड़ी देर पहले, हमारे साथ अच्छा अच्छा खेल रहा था, तो अभी इसको पता नहीं क्या हो गया। वे चलो आगे चलते हैं, तो नाराज हो गया, चल बाय बाय बाय। वे और वो देखने जा रहे हैं, ये देखो कोई फेमस टी है और कुछ दिन से तो रोटी वोटी है वो तो नहीं, खाना वाना कुछ सील कर रहे हैं कुछ दिन से। क्या भी है ये कावा, कावा और ताज़ा तंदूरी रोटी, तंदूरी रोटी और कावा के साथ तंदूरी रोटी, कावा मिल जाएगी, लवासा कश्मीरी लवासा, कश्मीरी कावा देना, दो कावा देना, दो दे दो ना, कावा और ताजा लवासा। हाँ जी, ये कावा बेच रहे, तंदूरी रोटी बेच रहे हैं और हनी लवासा बेच रहे हैं, तो ट्राई करते हैं कैसा है। ये देखो बना रहे कावा, ये पैसा नहीं देंगे, और ये देखो मार्केट बड़ी मस्त खुली हुई है मार्केट। और ये कितनी बनाई थी, क्या सीन था ना, 9:30 तक, 9:30 तक अभी बर्फ हो गई, सब जल्द चलो क्या शूट किए जी। अब जैसे यहाँ प्रॉपर बर्फ गिरती होगी तो तब बंद करके चले जाते हैं या खुली रहती है? जी बंद करते हैं सब लेते। तो कावा का ऑर्डर हमने दे दिया है और ठंड अच्छी खासी हो रही है, 10 बजे तक मार्केट खुली होती है। कश्मीरी प्याला है सर, कश्मीरा प्याला, कश्मीरी प्याला में उन्होंने कावा बना के दिया। हाँ इसमें अभी हनी डालेंगे हम, तो ये पहलगा अगर आप आओ यहाँ पे कावा जरूर ट्राई करना। क्या क्या गिरा हुआ है इसमें? ड्राई फ्रूट है और केसर है, थोड़ा वो है खारा खारा सा, नमकीन नमकीन सा लग रहा है, हनी डाला है, हनी डाला है, हनी का टेस्ट है, हनी डाला है, हनी का टेस्ट, थोड़ा वो डल जाएगा, नहीं डालो नहीं यार, थोड़ा सा भाई मीठा नहीं हो रखा है। बहुत बढ़िया कावा है ये, इस भाई को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि ये जो है भाई, मुझे समझ में क्यों नहीं आता, ये भाई ये सिर्फ चाय पीने वाला बंदा है तो उसको कावा समझ नहीं आएगा यार, इसको अच्छी चीज। कैसा लगा सर कावा? भाई बहुत बढ़िया लगा, मैंने अभी 3-4 दिन से कावा ही पी रहा हूँ, चाय तो पीता ही नहीं मैं, और ये सही में बहुत अच्छा कावा है। थैंक यू भैया। और पी किस में रहे सर? ये देखो यहाँ की कश्मीरी प्याली बहुत सुंदर है, ये अगर पैसे ना ले तो मैं घर ले जाऊँ उसको। तो होटल हमें मिल गया था, ये अपना रूम है, ये एक वनमानुष है हमारे साथ, ठंड बहुत है भाई, आओ तो अपने पैक करके, और बढ़िया होटल और सस्ता होटल मिल गया था हमें। तो मैंने रूम की फुटेज आपको दिखाई है और होटल से अच्छा हमें होटल मिल गया और सस्ता होटल मिल गया, सिर्फ 1500 रुपये में होटल मिल गया है। यहाँ पे 3-3 हज़ार रुपये, 3.5-4 हज़ार रुपये मांग रहे थे, और डिनर वगैरह हमारा सारा कुछ हो गया है, और
काफ़ी गाड़ियाँ स्लिप कर रही थी और हमने भी बड़ी मुश्किल से पीछे वाली पार्किंग से आगे वाली पार्किंग में पार्क करी है ताकि गाड़ी हमें दिख सके। इस टाइम बाहर का व्यू मैं कुछ दिखा नहीं सकता क्योंकि बिल्कुल अंधेरा हो चुका है और पूरी ब्लैक आइस टाइप की हो गई है, तो गाड़ियाँ काफ़ी स्लिप करी है यहाँ पे। और कल का मैं फ्रेश ब्लॉग बनाऊंगा और हम कल भी पहलगावी है और यहाँ पे कल काफ़ी बर्फ़ पड़ने वाली है जैसा लोग बता रहे हैं उसके हिसाब से। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं फिनिश करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ वॉच माई मोर वीडियोज़, मुझे और थोड़े व्यूज़ दो, अच्छे व्यूज़ दो और प्लीज़ गो ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड गो सब्सक्राइब शेयर एंड प्लीज़ बेल प्रेस द बेल बटन ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन आते रहे। थैंक यू सो मच, शबा खैर।